Moving to question number 39, the standard electrode potential for the following reaction is 1.33 volt. What is the potential at pH is equal to 2? तो हमें एक redox reaction दे रखा है और इस redox reaction में हमें electrode potential find करनी है at pH is equal to 2. तो हम directly use करते हैं Nernst equation to find out this. Nernst equation हमसे कहती है कि E of the cell at any pH is given by E naught of the cell under standard conditions minus 0.059 divided by n log concentration of the products raised to power the coefficient of the products in the equation divided by concentration of the reactants respective reactants jitne bhi reactants honge raised to power the coefficients of the reactants. अब जब यहाँ वैल्यू फिल करेंगे E नॉट सेल आपको इसमें दे रखा है 1.33 वोल्ट वैल्यू फिल कर दीजिए 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n n आपको दे रखा है 6 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 6 फैराडेज लगेंगे इस रिएक्शन के लिए लॉग प्रोडक्ट्स में आप देखें तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन दे रखा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन इज इन प्रोडक्ट्स और इसका कोएफिशिएंट दे रखा है 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में आपके पास एक तो डाइक्रोमेट आयन दे रखा है Cr2O7 2 नेगेटिव और इसका कोएफिशिएंट 1 है और साथ में दे रखा है H पॉजिटिव और इसकी कंसंट्रेशन जो है इसकी पावर हो जाएगी 14 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 14 दे रखा है. अब इसमें जब आप वैल्यूज फिल करेंगे तो क्रोमेट आयन जो है डाइक्रोमेट आयन जो है नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ ये आपको 1 मोलर दे रखा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन भी 1 मोलर दे रखा है. एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फ्रॉम दी पीएच तो पीएच बाय डेफिनेशन इज नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन तो यहां से आप निकाल सकते हैं माइनस लॉग देखिए ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन में ये माइनस अगर आप यहां ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन इज माइनस 2 तो इसका मतलब ये होता है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है जब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसका मतलब होगा कि एच आयन कंसंट्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू 10 दी पावर माइनस 2 दैट मींस 0.01 मोलर. तो आप इन वैल्यूज को आप यहां भर दें इस इक्वेशन में तो आपके पास आएगा 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 लॉग क्रोमियम 3 पॉजिटिव जो है इसकी जो इक्वेशन है इसकी जो वैल्यू है 1 मोलर दे रखी है और स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय नीचे डाइक्रोमेट आयंस की भी कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है और जो एच पॉजिटिव है इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01 पावर दे रखी है 14 तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये आपके पास आता है 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 इनटू लॉग. अब देखिए यहां पे आएगा 10 दी पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर में और साथ में आ रहा है 14 तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 दी पावर माइनस 28 जो ऊपर न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 10 दी पावर 28 तो आपके पास आएगा 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 इनटू लॉग ऑफ 10 दी पावर 28 तो ये 28 सामने आ जाएगा लॉग के लॉग 10 1 हो जाएगा approximately ये 0.59 जो है जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे approximately इसे 0.6 ले लीजिए तो 0.01 आ जाएगा तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये आपके पास approximately आता है equal to 1.33 minus 0.01 into 28 तो ये आपके पास हो जाता है 0.28 1.33 minus 0.28 ये आपके पास अप्रॉक्सिमेटली आ जाता है 1.05 जो आपके पास है फोर्थ ऑप्शन तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है दैट इज द फोर्थ वन.